सयूरी की बच्ची मिट्टू है या नहीं, इस बात पर हमेशा से ही ससुराल में उस पर उंगलियां उठी हैं और इसीलिए इंदु ने सोचा था डीएनए रिपोर्ट करवाने का, क्योंकि वो मिट्टू को खुले दिल से अपनाना चाहती है। बावजूद इसके कि कान्हा को इंदु की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और ना ही उसने सरोज की इस बात में साथ दिया, लेकिन फिर भी डीएनए रिपोर्ट का तमाशा जारी है। शुभ के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि डीएनए रिपोर्ट का खुलासा होने से पहले ही यहां पर चमन बाहर करने वाली है एक बार फिर से एक बड़ा कांड, और वो इस कांड से बनाएगी कान्हा के दिल में अपनी खास जगह। जी हां, शो के अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है कुछ ऐसा कि जैसे ही सरोज और इंदु के हाथ लगने वाली होगी डीएनए रिपोर्ट, उससे पहले वो रिपोर्ट ले लेगी हम सबकी नई चुलबुली हसीना चमन बहार, और वो डीएनए रिपोर्ट पढ़ने से पहले ही वो जला डालेगी ये कहकर कि एक बच्चे की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है या इस डीएनए रिपोर्ट की। और कान्हा इस बात से अग्री करेगा और वो अपनी माँ से सवाल जवाब करने के लिए चमन के अकॉर्डिंग खड़ा हो जाएगा। देखना होगा काफ़ी दिलचस्प कि इस नए बवाल से क्या इफेक्ट होता है सयूरी और मिट्टू की ज़िंदगी में। फिलहाल तो हो जाइए रिलैक्स, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट का तमाशा बहुत जल्द खत्म होने वाला है। लेटेस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।